इतनी बड़ी तादाद में निगम पार्षदों ने आज बीजेपी ज्वाइन किया है, ये अचानक से अभी आपको बहुत बड़ी संख्या में आपके सांसद जीते हैं, किसका परिणाम है ये कितनी बड़ी तादाद में आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ममता जी के खिलाफ एक जन आक्रोश है, ममता जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश है, ममता जी के सिंडिकेट राज के खिलाफ जन आक्रोश है, ममता जी की जो सामंती नीति है, जो तानाशाही नीति है, उसके खिलाफ एक जन आक्रोश है और वो उनकी पार्टी के अंदर भी है। ये आपने देखा होगा, ये लोग इसीलिए आए कि जो तानाशाही ममता जी के उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए और ये बंगाल में शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, अराजकता समाप्त हो ये चाहते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो ये चाहते हैं और इसलिए बड़ी संख्या में लोग आ जाएं, आगे भी आते रहेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में पश्चिम बंगाल में कहा था कि 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं, आज 3 विधायक ही देखने को मिले हैं। किश्तों में लाएंगे, एक साथ 40 थोड़ी करेंगे, मतलब ले आएंगे किश्तों में, 80 भी कर सकते हैं। बंगाल में अपनी रैलियों में बार बार ममता बनर्जी कहती रही कि आप लोग पैसे देकर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बीजेपी ऐसी राजनीति कर रही है? ममता जी के हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए जरूरी नहीं है। जनता समझती है कि इतने संघर्ष के बाद, इतनी उनकी गुंडागिरी के बाद यदि 18 सीट वहां पर जीती है, इसका मतलब है कि उनके खिलाफ जन आक्रोश। बीजेपी का साफ कहना है कि टीएमसी के खिलाफ ये जनादेश है, लोगों में गुस्सा है, इसलिए लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं बड़ी तादाद में। कैमरामैन संजय दौस के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस।